बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के चक्कर में कई सारे लोग ये बात ध्यान से उड़ा ही देते हैं कि इस पिक्चर में पेंटिंग्स की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि एक ऑब्वियस पेंटिंग तो अपन को लेक्स लूथर के कोठी में ही देखने को मिल जाती है, जो कि ये कोई रियल हिस्ट्री नहीं बल्कि फॉल ऑफ द रेबल इंजन से इंस्पायर्ड थी। लेकिन दोनों की सिंबॉलिक मीनिंग सेम है। जहां पे सुपरमैन को भगवान बना दिया गया था तो लेक्स लूथर उससे नफरत करने लगा। पेंटिंग का मेटाफोर जोड़ के देखे तो सुपरमैन पे अभी जमीन पे है लेकिन वो किसी ईश्वर की तरह फिर खड़ा होगा और किसी उभरते सितारे की तरह जमीन पे रहने वाले शैतानों को हराएगा। लेकिन वहीं पे उसको अगर उल्टा कर दे तो लेक्स के आखिरी मोनोलॉग को जस्टिफाई करता है कि कैसे अब अगले साल स्टेपन वुल्फ अपने पैराडिमंस के साथ किसी ईश्वर की तरह नहीं बल्कि शैतानों की तरह आसमान से जमीन पर आएगा और तब जाके ईश्वर जमीन से निकलेंगे। मतलब कि अपना कोई सुपरमैन नहीं बल्कि पूरी जस्टिस लीग आती है नए सुपर हीरोज के साथ। लेकिन इसके अलावा भी पिक्चर में लेक्स लूथर की पार्टी वाली पेंटिंग को भी नजरअंदाज कर दिया गया था, जहां बैकग्राउंड में देखोगे तो वो पेंटिंग है बैलेंस ऑफ टेरर, कि कैसे डार्कनेस लाइट को हरा रही है। मतलब कि अगर इसका मेटाफोर देखें तो कैसे दी डार्क नाइट सुपरमैन के लिए दुनिया के चमकते हुए चिराग को बुझा रहा है।